इंडिया और पाकिस्तान का मैच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई और पीसीबी की लड़ाई खत्म होने का नाम ले। पाकिस्तान की टीम ने जब से हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए लैंड किया है तब से ही बवाल मचा हुआ है कि वो लगातार भारत पर निशाना साध रहा है, और अब तो हद ही पार कर दी है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी को बीसीसीआई की कंप्लेंट की। पोस्ट मैच आपको याद होगा रिजवान वाला विवाद ज्यादा हो गया था, अब उसके बाद पीसीबी ने बीसीसीआई की शिकायत जो है वो आईसीसी से की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी खफा है, जिस तरह से अहमदाबाद मैच के बाद पाकिस्तान टीम को मॉक किया गया, चिढ़ाया गया, छेड़ा गया। पीसीबी के उस ट्वीट को हम पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट विद आईसीसी ओवर डिलेइंग वीजा इश्यूज फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड द एब्सेंस ऑफ वीजा पॉलिसी फॉर पाकिस्तानी फैंस इन ऑनगोइंग वर्ल्ड कप। सामनेग्राम भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी का मामला हो या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को टीम मैनेजमेंट समेत वहां पर जितने भी मसाइल हैं उस समेत पाकिस्तानी शायकीन या फिर जर्नलिस्ट को वीजा फराहम न करने के मामलों को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर लिखकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और उस पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अब पाकिस्तानियों के लिए ये खबर तो छोटी होगी, लेकिन उस एक ताकत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना जो न आईसीसी के रूल्स को कुछ समझता है न दूसरे किसी बोर्ड को खातिर में लाता है, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, उसके खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करवाना, आप अंदाजा लगाएं इस वक्त भारतीयों पर क्या गुजर रही होगी। वही सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह अब शोर मचाते नजर आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बाकायदा तौर पर वो जो मॉक किया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को ग्राउंड में, वो जो नारेबाजी मजहबी लगाई गई उस पर बाकायदा एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया पीसीबी की तरफ से, और सही जमकर क्लास ली गई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कि ये किस तरह के लोग हैं कि अपने घर आए हुए मेहमान को इस तरह टीज करते हैं, और इनके मजहबी नारे देखें, और अगर पाकिस्तानी या मुसलमान इस तरह के नारे लगाएं तो फिर उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन खैर, आईसीसी ने क्या इसका नोटिस लेना है ये तो हमें पता है, आईसीसी की तरफ से तहकीकात की बात तो की गई है, लेकिन बीसीसीआई जो है वो एक ताकतवर बोर्ड है और आईसीसी खुद बीसीसीआई का बगल बच्चा है, उसी के पेरोल पे काम करता है, तो फिर वो कार्रवाई क्या करेगा। लेकिन दूसरे बोर्ड्स को एक पैगाम वाजे तौर पर गया है कि अगर आपके साथ बीसीसीआई भी गलत करे तो आपने डट कर उसका मुकाबला करना है, और ये शुरुआत है, आगे चलकर बीसीसीआई को ऐसे मजीद कई झटके लग सकते हैं। अभी आपको सुनाते हैं इस वक्त भारत के मीडिया पर इस मामले को लेकर कैसे चीखें चल रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैंस के बीच की लड़ाई और इसके साथ ही बीसीसीआई और पीसीबी की लड़ाई खत्म होने का नाम ले रही है। वैसे हमने आपको ये बताया अभी था पहले कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं तो हमेशा तीन फेजेस में लड़ाई होती है, एक प्री मैच, मिड मैच एंड देन पोस्ट मैच। ये हर बार का ट्रेंड है, ऐसे ही हर बार पैटर्न होता है और हर बार हमारी खेलने की तमन्ना होती है, मंशा होती है, लेकिन हर बार ये तीनों चीजें दोहराती हैं। प्री मैच हमने देखा ज़का अशरफ ने किस तरह से कहा कि दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं, उसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, आने से पहले काफी विवाद हुए, बीसीसीआई पीसीबी काफी ज्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली। उसके बाद जबरदस्त स्वागत तमाम चीजें, लेकिन मिड मैच के आसपास भी तमाम जो गर्मी है वो देखने को मिली और जबरदस्त मैच चला। मैच के आसपास इंडिया में बॉयकॉट मूवमेंट चला था कि बॉयकॉट पाकिस्तान क्रिकेट मैच, बॉयकॉट ये, ज़का अशरफ के डिनर को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उन्हें स्पेशल डिनर दिया था, और अब पोस्ट मैच विवाद जो है वो फिर देखने को मिला है। पोस्ट मैच आपको याद होगा रिजवान वाला विवाद ज्यादा हो गया था, अब उसके बाद पीसीबी ने बीसीसीआई की शिकायत जो है वो आईसीसी से की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी खफा है, जिस तरह से अहमदाबाद मैच के बाद पाकिस्तान टीम को मॉक किया गया, चिढ़ाया गया, छेड़ा गया। अब अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान के साथ जो मैच चल रहा था तो उस बीच में जय श्री राम के नारे जो है वो लगाए गए थे, और मोहम्मद रिजवान को खासतौर पर टारगेट किया गया था। रिजवान को टारगेट करने वाले लोगों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान ने उस मैच से पहले एक मैच में अपनी पारी जो है वो डेडिकेट कर दी थी इसराइल गाजा वाले मैटर को लेकर, और एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने पैदा कर दिया था जिसकी आवश्यकता क्रिकेट मैच में नहीं थी, और ग्राउंड पर वो नमाज पढ़ रहे थे, और जिन लोगों ने इनका विरोध किया उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन्हें मॉक किया, हूट किया। पाकिस्तान टीम को भी एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उस मैच में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। लेकिन अब इस पूरे विवाद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल लेटर जो है आईसीसी को लिखा है, और अगर पीसीबी के उस ट्वीट को हम पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट विद आईसीसी ओवर डिलेइंग वीजा इश्यूज फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड द एब्सेंस ऑफ वीजा पॉलिसी फॉर पाकिस्तानी फैंस इन ऑनगोइंग वर्ल्ड कप। एक ही कहानी है जो बहुत ज्यादा वायरल है, इसको तो हम आपको बता भी चुके हैं, बताएंगे भी कि वीजा इशू जो है पाकिस्तान की लगातार ये शिकायत रही है कि उनके लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा, उनके लोगों को स्टेडियम में आकर मैच देखने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनके जर्नलिस्ट को भी लिमिटेड लेवल पे इजाजत दी गई है, जो कुछ ज़का अशरफ के साथ 50-60 लोग आए थे उन्हीं को दिया गया, बाकी पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं दी गई।
और दूसरा जो इसी में पोस्ट है वो है, द पीसीबी हैज ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट टारगेटेड एट पाकिस्तानी स्क्वाड ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हेल्ड ऑन 14th of October 2023। इसका सार बस इतना सा है कि पाकिस्तान जो है वो दो तरह की शिकायतें फिलहाल आईसीसी से करना चाहता है। एक कि हमारे लोगों को वीजा दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी मुल्क हैं उन सभी लोगों को वीजा दिया जा रहा है ताकि वो वर्ल्ड कप में आए, देखें, एंजॉय करें, खेलें कूदें, एक ये पॉलिसी चले। दूसरा चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उसको उस तरह से, मतलब जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को मॉक किया गया था, जो बिहेवियर निकल कर आया था जिसमें उन्हें बू किया गया था या चढ़ाया गया था, या रिजवान के एक्चुअली ये अधिकृत है, बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनका तो जबरदस्त स्वागत हुआ, केवल एक रिजवान ऐसे हैं जिनके साथ इश्यूज हुए थे और थोड़ा बहुत कहीं सुनाई पड़ता बाबर आजम को लेकर। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में जब भी मैचेस होते हैं तब थोड़ी बहुत तो फफ्तियां एक दूसरे पर कसी जाती हैं क्योंकि दोनों मुल्क में गर्माहट जो है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुख्यतः जो हुटिंग हुई थी वो रिजवान को लेकर हुई थी। और उसी के बाद जब पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर आए थे तब उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट है, मानो ये दिख रहा था कि एक बायलेटरल सीरीज है या बीसीसीआई का इवेंट है। पाकिस्तान की टीम ने जब से हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप के लिए लैंड किया है तब से ही बवाल मचा हुआ है। अहमदाबाद में हार के बाद तो पाकिस्तानी खेमा इतना बिखर गया है, बौखला गया है कि वो लगातार भारत पर निशाना साध रहा है और अब तो हद ही पार कर दी है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी को बीसीसीआई की कंप्लेंट की है। लेकिन अब पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर ने पीसीबी को लताड़ लगाई है और कड़े शब्दों में कह दिया है कि गलती कहीं ना कहीं पाकिस्तान की है। तो चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कंप्लेंट की और कौन है वो पूर्व क्रिकेटर जिसने अब पीसीबी को ही फटकार लगाई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है और लगातार शिकायत कर रहा है। पीसीबी ने आईसीसी को इस बात की शिकायत की है कि भारत ने उनके पत्रकारों को वर्ल्ड कप 2023 के लिए वीजा नहीं दिया या फिर वीजा देरी से दिया। पीसीबी ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि वहां मुकाबले के दौरान उनके खिलाड़ियों के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। हालांकि मिकी आर्थर के इस बयान को बाद आईसीसी के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि इस बयान की वो समीक्षा करेंगे और इस बयान को लेकर वो एनालिसिस करेंगे, जरूरत पड़ी तो पीसीबी से वो भी बातचीत करेंगे। फिलहाल मिकी आर्थर ने जो बयान दिया है कि मैं फाइनल में इंडिया का इंतजार करूंगा और दिल दिल पाकिस्तान हम चाहेंगे वहां सुनाई पड़े। अब दिल दिल पाकिस्तान सुनाई पड़ेगा नहीं सुनाई पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को एक लंबा रास्ता तय करना है और अगला मुकाबला जो उनका है 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के सामने उसे खेलना है। 3 में से 2 मैचेस वो जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच जीती है। पाकिस्तान में कई प्लेयर ऐसे हैं जो फिलहाल बुखार से परेशान हैं, लेट्स जस्ट सी कि वो रिकवर कैसे करते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां जो है वो इंटरेस्टिंग है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस लड़ाई को लेकर आप क्या सोचते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ये कहा गया शिकायत, आपको लगता है आईसीसी कोई एक्शन लेगा या जैसा कि हर बार होता है कि बीसीसीआई की डोमिनेंस हम सब जानते हैं, मतलब